नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों कैसे हो? दोस्तों इस वीडियो में मई मास के हर एक दिन की बात की जाएगी। यह मई मास का डेट वाइज राशिफल है। अक्सर मासिक राशिफल में चंद्रमा का जिक्र नहीं किया जाता है क्योंकि चंद्रमा बहुत ही तेज गति से चलने वाला ग्रह है। शीशे से भी कोमल मन का कारक है चंद्रमा, इसलिए जिस तेजी से मन में विचार बदलते हैं उस तेजी से ही ब्रह्मांड में चंद्रमा संचार करता है। चंद्रमा की एक ही राशि पर गोचरीय अवधि 2.25 दिन है, इसलिए मासिक राशिफल में चंद्रमा की चर्चा नहीं की जाती है। प्रतिदिन के राशिफल में चंद्रमा का विशेष महत्व है। इस राशिफल में चंद्रमा की गोचरीय स्थिति पर खास विचार किया जाता है। इस वीडियो में चंद्रमा की पूर्ण मास की गोचरीय स्थिति दिखाई गई है। चंद्रमा के शुभ अशुभ गोचर का हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा के अलावा मई माह में राशि स्वामी सूर्य और क्रम भाव के स्वामी शुक्र का राशि परिवर्तन भी सिंह राशि वालों के भाग्य एवं कर्म को मजबूती प्रदान करेगा। यह राशि परिवर्तन भी बहुत शुभ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, मई माह की शुरुआत 1 मई को चंद्रमा मेष राशि में विराजमान होकर आपकी राशि के नवम भाव पर संचार करेगा। दोस्तों इस समय राशि स्वामी सूर्य और चंद्रमा अपने अति शत्रु ग्रहों राहु केतु और शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे, इसलिए गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा सकते हैं। शत्रु षड्यंत्र रच समाज में मान सम्मान में कमी कर सकते हैं। खासकर नौकरी पेशा दोस्तों को इस समय सतर्क रहने की अधिक आवश्यकता रहेगी। विरोधाभास रखने वाले छोटी छोटी परेशानियां पैदा करने का पुरजोर प्रयत्न करेंगे। वैसे भी 1 मई को संडे है और कार्यक्षेत्र से छुट्टी होने के कारणवश खास कोई अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। घर में रहने से काफ़ी हद तक राहत महसूस करेंगे। 2 मई की सुबह लगभग 4:44 पर चंद्रमा राहु केतु के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा तथा वृषभ राशि में विराजमान होकर आपकी राशि के कर्म भाव पर संचार करेगा। चंद्रमा के संबंध में यह समय काफ़ी सकारात्मक है, हर कार्य में सफलता मिलेगी। कर्म भाव पर चंद्रमा का उच्च राशि में गोचर यश पद प्रतिष्ठा दिलाएगा। चंद्रमा के पिछले गोचर में महसूस हो रही आत्मविश्वास और मान सम्मान में कमी अब दूर होगी। आत्मविश्वास में मजबूती के साथ मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। दोस्तों कर्म भाव पर गोचर चंद्रमा के भी सूर्य के समान ही शुभ फल देखने को मिलते हैं। उच्च अधिकारी वर्ग से मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे तथा वह भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके अधिकारों और प्रभाव क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा। सरकारी कामकाजों के लिए चंद्रमा की यह स्थिति बहुत उत्तम है। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। चंद्रमा की चतुर्थ भाव पर दृष्टि से मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा। मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। घर परिवार में खुशियों का प्रवेश होगा। माता जी के सुख स्नेह एवं सहयोग में वृद्धि होगी। 4 मई की शाम 4:45 चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान होकर आपकी राशि के एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रमा के संबंध में यह समय भी बहुत लाभप्रद है। विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। एकादश भाव आय एवं लाभ से संबंधित कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। लाभ भाव पर बौद्धिक राशि मिथुन में चंद्रमा का संचार बुद्धि संबंधित कार्यों से जुड़े दोस्तों और व्यापारी दोस्तों को विशेष लाभ देने वाला रहेगा। लिक्विड पदार्थों के कार्यों से भी लाभ होगा। आपकी राशि के लिए चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी भी है, इसलिए विदेश से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह समय बहुत लाभप्रद रहेगा। विदेशी स्रोतों से आय और लाभ में वृद्धि होगी। दोस्तों इस समय मित्रों के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी तथा मित्रों के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत करेंगे। चंद्रमा की पंचम भाव पर दृष्टि संतान सुख में वृद्धि करेगी। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। प्रेमियों को भी इस दृष्टि का बहुत लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर मानसिक सुख शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। नए प्रेम प्रसंगों तथा प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए यह समय शुभ है। कुल मिलाकर चंद्रमा के संबंध में यह समय भी
सकारात्मक रहेगा। दोस्तों 7 मई की सुबह चंद्रमा कर्क राशि अपने ही राशि में विराजमान होकर आपकी राशि के द्वादश भाव पर संचार करेगा तथा गुरु की दृष्टि में रहेगा। द्वादश भाव एक बाधक स्थान है, इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, परंतु चंद्रमा का अपनी ही राशि में गोचर और उस पर गुरु की दृष्टि नकारात्मक ऊर्जा में काफी हद तक कमी करेगी। मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इस अवधि में अनावश्यक व्ययों के प्रति सतर्क रहें, नहीं तो व्यय की अधिकता चिंता परेशानी में डाल सकती है। विदेश पासपोर्ट या वीजा की प्रक्रिया के संबंध में कोई कार्य करना है तो इस अवधि में कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। जो तो द्वादश भाव और द्वादश भाव के स्वामी चंद्रमा पर गुरु की शुभ दृष्टि विदेश संबंधी कार्यों के लिए काफी सकारात्मक है। संतान या शिक्षा के संबंध में भी विदेश से संबंध स्थापित होंगे। खासकर इस अवधि में विचारों में सकारात्मकता बनाई रखें। दोस्तों 9 मई की शाम को चंद्रमा आपकी राशि सिंह में प्रवेश कर राशि के प्रथम भाव पर संचार करेगा। राशि में चंद्रमा का गोचर बहुत उत्तम है। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। जोश उत्साह उमंग और ऊर्जा शक्ति युक्त रहेंगे। राशि में चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक सुख शांति प्रसन्नता और आनंद का भाव पैदा होगा। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ सुखद पल का एहसास करेंगे। चंद्रमा पर पाप दृष्टियों के प्रभाव से शत्रु आपके मनोबल को तोड़ने और दाम्पत्य जीवन में संदेहास्पद स्थितियां पैदा करने का पुरजोर प्रयत्न करेंगे। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी परस्पर विश्वास में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। कार्य व्यापार के संबंध में भागीदार के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। मंगल एवं शनि का सप्तम भाव पर युति योग जीवन साथी और भागीदार के संबंध में शुभ नहीं है। चंद्रमा के संबंध में यह समय सकारात्मक रहेगा। दोस्तों 11 और 12 मई की मध्य रात्रि चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तथा आपकी राशि के द्वितीय भाव पर संचार करेगा। इस समय चंद्रमा पर मंगल की क्रूर दृष्टि के साथ साथ गुरु एवं शुक्र की शुभ दृष्टि भी पड़ेगी। वाणी का खास ध्यान रखें। वाणी के द्वारा कुवचन और कटुवचन का प्रयोग कुटुंब की सुख शांति प्रभावित कर सकता है। मंगल की दृष्टि वाणी में कठोरता एवं क्रूरता का भाव पैदा करेगी। जल्दबाजी में वाणी का प्रयोग ना करें। सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें। धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें। आंखें बंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें। धन उधार में देने से बचें। इस समय आप दान पुण्य और परोपकार संबंधी कार्यों पर भी कुछ व्यय करेंगे। दोस्तों 14 मई की सुबह चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के तृतीय भाव पर संचार करेगा। तृतीय भाव पर चंद्रमा का संचार अति उत्तम है। तृतीय भाव से साहस पराक्रम पुरुषार्थ छोटे भाई बहनों कानों पड़ोसियों छोटी यात्रा लेखन और संचार कार्यों का विचार किया जाता है। पराक्रम भाव पर चंद्रमा का गोचर आपको पराक्रमी बनाएगा। आपके साहस पराक्रम और आत्मविश्वास का स्तर अत्यंत उच्च का होगा। आपके पराक्रम से शत्रु भयभीत होंगे। दोस्तों इस समय शत्रुओं पर आपका नियंत्रण बना रहेगा। छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। पराक्रम भाव पर केतु पहले से ही आपके पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान कर रहा है। अब चंद्रमा के प्रभाव से आपका मनोबल और मजबूत होगा। तृतीय भाव पर पाप युक्त चंद्रमा के अधिक बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। लेखन और संचार कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह समय लाभ देने वाला है। सोशल मीडिया में नेम और फेम बढ़ेगा। इस दौरान 15 मई को राशि स्वामी सूर्य भी राहु केतु के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा तथा कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। कर्म भाव पर सूर्य का गोचर हर प्रकार से सकारात्मक और अनुकूलता प्रदान करने वाला है। यश पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा। वह भी आपसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन आपको हर प्रकार से सकारात्मक बनाएगा। रोग और रुतबा बढ़ेगा। स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। उधर 16 मई की सुबह चंद्रमा वृश्चिक राशि अपनी नीच राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर संचार करेगा। चतुर्थ भाव पर नीच अवस्था में चंद्रमा का गोचर सुख शांति को कुछ प्रभावित कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा 17 मई को सुख भाव के स्वामी मंगल भी राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह स्थिति भी घर परिवार की सुख शांति को प्रभावित कर सकती है। इसलिए मास मध्य में घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में
स्नेह एवं मधुरता के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। 18 मई की सुबह चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा तथा आपकी राशि के पंचम भाव पर गोचर करेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान के विदेश संबंधी कार्य पूर्ण होंगे। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए भी चंद्रमा की यह स्थिति लाभप्रद है। इस समय शिक्षा और विदेश के संबंध में कुछ व्यय भी करना पड़ सकता है। प्रेमियों के लिए भी पंचम भाव पर चंद्रमा का गोचर प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगा। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती और समय व्यतीत करने के अवसर पैदा होंगे। 20 मई की सुबह चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के छठे भाव पर संचार करेगा। छठे भाव पर चंद्रमा के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। शत्रुओं पर आपकी पकड़ मजबूत होगी तथा शत्रु पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में रहेंगे। शत्रुओं के साथ साथ रोग एवं ऋण का भी सफाया होगा। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। दोस्तों, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले हैं तो उन मामलों में आपका पक्ष हावी रहेगा। ननिहाल पक्ष के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। चंद्रमा के संबंध में यह समय भी बहुत उत्तम रहेगा। 22 मई की सुबह चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा तथा आपकी राशि के सप्तम भाव पर गोचर करेगा तथा शनि के साथ युति योग बनाएगा। सप्तम भाव पर चंद्रमा दंपत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा करेगा। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने के अवसर मिलेंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी चंद्रमा का यह गोचर शुभ है। भागीदार के साथ पुराने गिले, शिकवे और मतभेद दूर होंगे। जीवन साथी और भागीदार के मार्गदर्शन से व्यापार में लाभ होगा। 23 मई को शुक्र का राशि परिवर्तन भी दंपत्य जीवन में खुशियों का प्रवेश करेगा। जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव बाधक स्थान से मुक्त होकर भाग्याभाव में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र का भाग्याभाव में गोचर भाग्य में वृद्धि करेगा। स्त्री पक्ष के माध्यम से भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन काफी अनुकूल रहेगा। 24 की शाम को चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर अष्टम भाव पर संचार करेगा। दोस्तों, अष्टम भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, परंतु गुरु के साथ युति योग चंद्रमा को मजबूती प्रदान करेगा, इसलिए चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। विचारों में सकारात्मकता बनाई रखें, ओवर थिंकिंग में ना फंसे। 26 और 27 मई की मध्य रात्रि चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के भाग्याभाव पर संचार करेगा। अब शुक्र के साथ चंद्रमा का भाग्याभाव पर युति योग भाग्य को बुलंद करेगा। भाग्य के सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर होगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। भाग्य के सहयोग से विदेश बंदी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। राहु के प्रभाव से मन में ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में एक बार फिर अटूट आस्था जागृत होगी। 29 मई की सुबह चंद्रमा कर्म भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर एक बार फिर कर्म भाव को मजबूती प्रदान करेगा। मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कर्म भाव की शुभता का नौकरी पेशा दोस्तों को विशेष लाभ होगा। मन में विशेष बल की अनुभूति करेंगे। कुल मिलाकर मई मास के अंत में चंद्रमा आपके मन को उत्साहित और प्रफुल्लित रखेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।